हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पीरियड में मैंने पढ़ाया था आपको जनहित याचिका, तो उसी के आज आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे जनहित याचिका की आलोचना। पिछले पीरियड्स में मैंने जनहित याचिका के मुख्य तत्व और जनहित याचिका क्या है उसके बारे में बताया था। जनहित याचिका की आलोचना, न्यायालय के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि, फिर है नेक्स्ट सस्ती लोकप्रियता का साधन, सरकार के तीनों अंगों में गतिरोध, जनहित याचिका का सीमित प्रभाव, फिर है कार्यपालिका में अनावश्यक भय, राजनीति से प्रेरित होने का आरोप। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है न्यायालय के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि। इसकी सबसे प्रमुख आलोचना यह है कि प्रभावित पक्ष के नियम को शिथिल करने के कारण न्यायालयों के कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाएंगे, साथ ही न्यायपालिका द्वारा जनहित याचिका के अंतर्गत कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है तथा वह सरकार द्वारा नीतियों के निर्माण के अधिकार को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार जनहित याचिका का सिद्धांत और व्यवहार सरकार के तीनों अंगों में शक्ति पृथककरण के सिद्धांत को बाधित करता है। फिर है जनहित याचिका की विषय वस्तु के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शक नियम। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर 1988 को अपने एक निर्णय में उन विषयों को चिन्हित किया था जिन पर ही जनहित याचिका योजित की जा सकती है, साथ ही उन विषयों को भी चिन्हित किया था जिन पर जनहित याचिका योजित नहीं की जा सकती। इन सूचियों को समय समय पर संशोधित किया गया है। यह सूची अगस्त 2003 तक संशोधित है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जनहित याचिका के लिए योग्य विषय, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित 10 विषय चिन्हित किए हैं। केवल इन विषयों के संबंध में ही जनहित याचिका को स्वीकार किया जाएगा और ये विषय हैं बंधुआ मजदूर के मामले, फिर हैं अनाथ व वंचित बच्चों के मामले, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के मामले, नेक्स्ट कैदियों के शोषण व उनके विरुद्ध अत्याचार के मामले, नेक्स्ट पुलिस द्वारा अत्याचार, पुलिस अभिरक्षण में मृत्यु दर आदि से संबंधित मामले, नेक्स्ट महिलाओं के शोषण अत्याचार व उत्पीड़न के मामले, नेक्स्ट अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न या ग्रामीण जनता के उत्पीड़न के मामले, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामले तथा मिलावटी खाद्य सामग्री से संबंधित मामले, नेक्स्ट है दंगों से पीड़ित व्यक्तियों के मामले, नेक्स्ट है फैमिली पेंशन के मामले। जनहित याचिका के लिए अयोग्य विषय, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित 5 विषयों को जनहित याचिकाओं के योग्य नहीं माना है और ये विषय हैं मकान मालिक किराएदार के विवाद, दूसरा सरकारी नौकरियों के सेवा संबंधी मामले, नेक्स्ट उपयुक्त 10 योग्य विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में केंद्र सरकार राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के शिकायत संबंधी मामले, फिर हैं मेडिकल तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के मामले, नेक्स्ट अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए अनुरोध के मामले। सर्वोच्च न्यायालय उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में विभिन्न याचिकाओं की जांच करने के उपरांत हो उन्हें जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करता है। क्या जनहित याचिका सरकार के तीनों अंगों में असंतुलन उत्पन्न करती है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इसमें क्या है, कानून निर्माण विधायिका का, नीति निर्माण व कानूनों का क्रियान्वयन कार्यपालिका का, तथा दोनों के संबंध में नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना तथा इन अधिकारों के उल्लंघन को रोकना न्यायपालिका का दायित्व है। जब न्यायपालिका
जनहित याचिकाओं के माध्यम से जनहित के उन मामलों को लागू करने का प्रयास करती है जो कार्यपालिका द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण उत्पन्न होता है, तो कार्यपालिका पर उत्तरदायित्व के निर्वहन का दबाव बढ़ जाता है, जिसे कार्यपालिका अपने कार्यों में हस्तक्षेप समझती है। लेकिन इसे हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कार्यपालिका पर इन दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी कानून या संविधान द्वारा ही निर्धारित की गई है। हाँ, यदि न्यायपालिका अपने निर्णयों में किसी नई सरकारी नीति का प्रतिपादन करती है अथवा सरकार के ऊपर नए दायित्व थोपती है, तो इसे कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप समझा जाएगा। प्रसिद्ध विद्वान टी के टोपे का मत है कि न्यायाधीशों को अपनी शक्तियों के विस्तार पर नजर रखने की बजाय उनकी सीमाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा जनहित याचिकाओं के अंतर्गत जो भी कार्यवाही की जाती है, उसमें सरकार के तीनों अंगों के मध्य दिया गया संवैधानिक संतुलन खराब नहीं होता। जनहित याचिका का महत्व। कार्यपालिका में जवाबदेही लाने में सहायक कमजोर वर्गों के हित का साधन है, जनहित की पूर्ति का साधन है और सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम।